हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे सो so, आज की वीडियो में जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं सो so, बेसिकली आज हम क्या करेंगे जो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं और क्या उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो सी बी एस ई का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी किसी भी लेवल का बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखी है ठीक है सो so, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट uh, है इसमें ऑल एग्जांपल्स इन चैप्टर फ्रॉम एन जो भी एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर से एनसीआरटी में वो हम सबसे पहले कवर करेंगे ठीक है अब देखिए जो लॉन्ग uh, वायबिलिटी किस पोलन की होती है सो so, जो पोलन रोजेसी सोलनेसी और लेग्युमसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी वायबिलिटी काफी ज्यादा होती है शॉर्ट वायबिलिटी किसकी होती है पैडी और व्हीट की ठीक है पोलन एलर्जी किससे होती है पोलन एलर्जी होती है पार्थीनियम और ग्रास भी जिसे बोला जाता है एपोकार्पस का एग्जांपल है माइकिलिया सिनकार्पस का एग्जांपल है पेपेवर और जो आपको जानना है कि एपो, एपोकार्पस किसे बोलते हैं सिनकार्पस किसे बोलते हैं तो ये सब मैंने अपनी उस वीडियो में कवर किया है जिसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ाया हुआ है एग्जाम्पल्स भी मैंने उसमें सारे कवर किए हैं लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू अगर आपको तेज़ी के साथ में रिविज़न करना है तो उस लिए उस पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आपको फास्टली रिविज़न करना है जैसे कि वो सीरीज़ मैं खासकर बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए चला रही हूँ मतलब जो क्लास ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी की सो so, अगर उन्हें एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो ये वीडियो उनके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगी ठीक है अब देखिए ये नेक्स्ट है मल्टीपल ओव्यूल इन ओवरी ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल जिसमें प्रेजेंट है तो एग्जांपल है, और है? है मैंगो पैडी और व्हीट में ठीक है क्लिस्टोगेमस और कैशमोगेमस फ्लावर कौन कौन से है विंड याशन मेजी में होता है एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन बाय विंड एंड इंसेक्ट ये होता है वाटर हाइकेंट और वाटर लिली पॉलिनेशन बाई वाटर ऑन सरफेस वेलिसनेटिया एंड हाइड्रेला हाइड्रेला फ्रेश वाटर प्लांट है पॉलिनेशन बाई वाटर अंडर सरफेस होता है जूस्टेरा और सी ग्रास बर्ड पॉलिनेशन बर्ड परफॉर्म पॉलिनेशन सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड लार्ज साइज बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट गार्डन लिजार्ड कीको लिजार और रोडेंट इंसेक्ट पॉलिनेट विथ फ्लॉर ऑफ फोल स्मेल फ्लाइज एंड बीटल स्पेस फॉर एग्लफोफेल जमी बोलते हैं सिम्बायटिक रिलेशनशिप स्पेस फॉर एग्लिंग यूका प्लांट एंड मौत आउट ग्रीडिंग डिवाइसर यूनिसेक्सुअल फ्लॉर मेज एंड कास्टर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल पपाया एंडोस्पम कोकोनट वॉटर में तो फ्री वॉट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम होता है और वाइट एडिबल पार्ट जो होता है वो सेलुलर एंड बोला जाता है उसे फिर है एंडोस्पमस <coughs> सीड और एल्बुमिनस जिसे बोलते हैं तो उसके एग्जांपल है मोनोकोट में मेज कोकोनट व्हीट और फ्यू डाइकोट लाइक कैस्टर नॉन एंडोस्पमस या फिर एक्स एल्बोमिनस जिसे बोला जाता है वो प्लांट्स है डाइकोट जैसे कि पी बीन ग्राउंडनट और मोनोकोट में जैसे कि ऑर्किड स्केटुलम कॉलेपटल और कॉलोराइजर इसमें प्रजेंट होता है ग्रासेस में पेरिसम बीट एंड ब्लैक पेपर ट्रू फ्रूट ड्राई जो होता है वो है मस्टर्ड और पी ट्रू फ्रूट फ्लैशी जो होता हो है और वो है ऑरेंज एंड गवावा फॉल्स फ्रूट है एप्पल कैशू एंड स्ट्रॉबेरी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बनाना नेक्स्ट तो है सीड विद लॉन्ग वायबिलिटी तो इसमें है ल्यूपिनस आर्कटिकस टेन थाउजेंड और फियोनिक्स डेक्टिलिफेरा टू थाउजेंड लार्ज नंबर टीनी सीड्स स्ट्राइगा और फिकस ऑर्किड एपोमिक्सीज ग्रासेस एस टी डी सी मैंगो एंड सिट्रस इनमें न्यूसिलस के थ्रू होती है ओली ये ऑरेंज में देखने को मिलती है

मिडल लेयर जो है वो डाइहाइसेंस में हेल्पफुल होती है और टैपेटम जो है वो नरिशमेंट करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन को पोलन सैक जो है उसमें दो लेयर्स होती हैं और पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन में पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है फिर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है फोर आ, मतलब कि टेट्राड एक तरीके से बोल सकते हैं फोर

टू एसिड अल्कली एंड एंजाइम्स प्रिजरव एज फॉसिल और इन टाइम जो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है पोलन एलर्जी जो है वो पार्थेनियम से होती है पार्थेनियम की वजह से ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा ये दो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं और जो पार्थेनियम है जिसे कैरेट ग्रास भी बोला जाता है वो इंपोर्ट हुआ था इंडिया में व्हीट के थ्रू फूड सप्लीमेंट जो है फूड सप्लीमेंट के तौर पे पोलन टैबलेट्स और सिरप यूज़ करे जाते हैं और एथलीट और हॉर्सेज की एक तरीके से एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वायबिलिटी पोलन की अगर बात करें तो लॉन्ग वायबिलिटी तो होती है रोज़ेसी, सोलनेसी और लेग्योमेसी फैमिली के पोलन की और जो शॉर्ट वायबिलिटी है वो है वीट और पैडी के पोलन बैंक जो होते हैं जैसे ब्लड बैंक होते हैं ना ऐसे ही पोलन बैंक होते हैं उसमें माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस पर पोलन को स्टोर कर जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में अब देखिए पिस्टल एंड मेगा स्पोरोजिनेसिस लोक्यूल जो है लोक्यूल को क्या बोलते हैं चैम्बर होता है ओवरी में जो उसे लोक्यूल कहा जाता है एपोकार्बस का मतलब होता है फ्री पिस्टल और ये मल्टीकार्बुलरी कंडीशन होती है एग्जाम्पल है माइकलिया सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज पिस्टल एग्जाम्पल है पेपेवर फ्यूनिकल क्या होता है एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है हीलियम क्या होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल और ओव्यूल न्यूसीलस होता है डिप्लोइड टिश्यू जिस के जो कि सराउंड हुआ रहता है इन से आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से और इसकी ही एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो दूसरा नाम है किसका ओव्यूल का और जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है उसमें चार मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही आगे डेवलप होता है जो मेगास्पोर टेट्राड बना था ना उसमें से एक ही डेवलप होता है एंब्रियो सैक जो है उस फीमेल एंब्रियो सैक होता है फीमेल गैमी गेमि, गैमेटोफाइट प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस ऑफ मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक में तीन एंटीबॉडल सेल होती है, सेंट्रल सेल होती है जिसमें कि लार्जेस्ट विद टू न्यूक्लिया ये लार्जेस्ट सेल होती होती है जिसमें कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है दो सिनर्जिस्ट प्रेजेंट होते हैं और वन एग सेल प्रेजेंट होती है प्लोइडी की अगर बात करें तो ऑल सेल हैप्लोइड इन एम्ब्रियो सैक ओनली सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ तक क्लियर है नेक्स्ट देखो न्यूसिलस से मेगा न्यूसिलस की एक सेल ने मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करा उसमें फिर मियोसिस हुआ चार मेगास्पोर बने जिसमें से एक फंक्शनल रहा उसे एक मेगास्पोर जो कि फंक्शनल है उसे तीन बार उसमें डिवीजन हुआ सक थ्री सक्सेसिव डिवीजन फर्स्ट टाइम उसमें क्या बना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ उसमें मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर सेल अभी नहीं बनी ठीक है उससे एट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तीन डिवीजन के बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ फिर साइटोकाइनेसिस हुआ फिर एट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ फिर वॉल फॉर्मेशन हुआ जो मतलब के अराउंड वॉल फॉर्मेशन हुआ हुआ जो साइटोकाइनेसिस और उसके बाद में का फॉर्मेशन हुआ जैसे की फीमेल गैमेटोडी बोलते हैं और जिसकी कंडीशन क्या थी एट न्यूक्लियाई और सेवन सेल्ड एक बार दोबारा से बता देती ये ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए देखिए न्यूसिलस था उसकी एक सेल ने मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करा उस एक, एक मेगास्पोर मदर सेल में माइट्र म्यूसिस हुआ मियोसिस से चार मेगास्पोर बने उसमें से एक फंक्शनल था उस एक फंक्शनल मेगास्पोर में तीन बार डिवीजन हुआ लगातार और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए फ्री न्यूक्लियर एंड का फॉर्मेशन हुआ और उससे आठ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ फिर उसके बाद में उन आठ में से छह न्यूक्लियस के ऊपर तो सेल बन गई मतलब सेल वॉल बन गई

अगर डिफरेंट फ्लावर है सेम प्लांट का तो उसे गिटानोगी बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए और पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर डिफरेंट प्लांट है तो उसे जीनोगेमी बोलते हैं उस पोलिनेशन को और पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है दो तरीके के फ्लावर होते हैं कैशमोगेमस कैशमोग होता है ओपन इसमें ओटोगेमी गिटानोगी और जीनोगी तीनों ही तरीके का पोलिनेशन हो सकता है क्लिस्टोगेमस होता है क्लोज इसमें सिर्फ ओटोगेमी हो सकती है ठीक अब देखिए एजेंट मोर देन से पॉलिनेशन ज्यादा होता है अगर हम बात करें एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स की तो इसमें फीचर्स क्या चाहिए होती है कलरलेस नेक्टरलेस ऑर्डरलेस फ्लावर लार्ज फेदरी स्टिग्मा एग्जर्टेड स्टेमन

जू स्टम जू में अंडर वाटर पॉलिनेशन होता है उसमें रिबन शेप के पॉलन होते हैं और म्यूसिलेज जो कवरिंग होती है तो ये वाटर पॉलिशन किस किस में हुआ ये बता दिया पहले और अगर कुछ वाटर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से कैसे होता है फिर नेक्स्ट है इंसेक्ट इंसेक्ट में देखिए नेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मतलब फीचर्स में नेक्टर चाहिए कलर चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो फ्लावर जो वो क्लस्टर में होने चाहिए और खासकर हनी भी करती है इंसेक्ट्स में पोलिनेशन मैक्सिमम पोलिनेशन बाकी और भी नाम है कुछ इंसेक्ट्स के वो आप देख लीजिएगा और एजेंट्स हैं जैसे बैट बर्ड बर, मैमल्स रोडेंट्स एक्सेट्रा रिवार्ड क्या क्या मिलते हैं पोलिनेटर्स को तो नेक्टर मिलता है और कुछ पोलन एडिबल होते हैं तो वो भी उन्हें मिलते हैं और एग लिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस में देखिए स्टेमन पिस्टल जो होती हैं वो दूर दूर हो अगर और जो एंथर मेच्योरिटी और पिस्टल रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज ना हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो और सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो तो ये सब आउट ब्रीडिंग डिवाइस है जो कि ऑटोगेमी और कीटोनोगी को रोकती हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखिए किस तरीके से कराई जा सकती है तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग का यूज़ करके इमेस्कुलेशन में E तो करी जाती है फ्लावर में एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और बैगिंग करी जाती है बैगिंग करी जाती है कि स्टिग्मा मतलब जो होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कवर कर दिया जाता है स्टिग्मा और पिस्टल कवर्ड बटर पेपर की हेल्प से और ये होता है बाईस फ्लावर में आप देखिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पोलन ऑन स्टिग्मा तो जो पोलन है वो रिजेक्ट हो सकते हैं अगर सेल्फ इनकम्पेटेबल होंगे इनकम्पेटेबल होंगे मतलब डिफरेंट स्पीसीज के होंगे पोलन स्टिग्मा कब एक्सेप्ट करे जाते हैं अगर सेम स्पीसीज के होंगे कंपेटेबल होंगे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी स्टिग्मा और एक्साइन के बीच में पोलन जर्मिनेशन की अगर बात करें तो पोलन ट्यूब जो होती है वो जर्म जर्म पोर से फॉर्म होती है और जो टिप होती है पोलन ट्यूब की उसमें वो होता है सेल का न्यूक्लियस होता है वहां पे और जो बोरोन होता है ना वो हेल्प करता है जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब जो है पोलन ट्यूब और इस, स्टिग्मा अब टू साइड स्टेज में तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है स्टिग्मा में दो मेल गैमेट्स में और थ्री सेल स्टेज है उसमें स्टार्टिंग से ही तीन न्यूक्लियस होते हैं ट्यूब में एक मेल गैमिट और वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच का इंटरेक्शन है उसमें मोस्टली स्टाइल जो है वो होलो होती है और अगर होली होलो नहीं है सॉलिड है तो ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो एंट्री है पोलन ट्यूब की वो ओव्यूल के अंदर होती है माइक्रोपाइल के थ्रू और फिर जो न्यूक्लियस नू, है का वो डिजनरेट हो जाता है एंट्री से बिल्कुल पहले और जो दोनों मेल गैमिट है वो रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू एनी वन और... देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ मेल और मेल गैमिट और एग सेल का फ्यूजन हुआ इसे सिंह बोला जाता है जिसकी वजह से जाइगोड का फॉर्मेशन होगा ठीक है फिर नेक्स्ट हुआ मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन दो मेल गैमेट एंट्री करी थी ना सिनर्जिड के के थ्रू तो तो एक मेल तो एक मेल 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 गैमेट गैमेट एग सेल साथ में फ्यूज हो गया जिसे बोल दिया का फॉर्मेशन होगा मेल, मेल जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होगा टू पोलर न्यूक्लिया जो बीच में प्रेजेंट थी सेंट्रल सेल में इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं जिसकी वजह से पीई एन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और फिर इससे प्राइमरी एंडोस्पम सेल का फॉर्मेशन होगा और ट्रिपल फ्यूजन जब एक मतलब कि एक साथ होते हैं उसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ये सिर्फ एंजियम और जिमोस्पम में देखने को मिलता है अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में जो है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सिर्जिट्स हैं दोनों और तीनों एंटीपोडल्स वो डिजेनरेट हो जाती है जो प्राइमरी एंडोस्पम सेल है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंडोस्पम्प का फॉर्मेशन होता है फिर डिवीजन होता है के डिवाइड उसमें एल्यूरोस सराउंड होता है मतलब प्रोटीन की एक लेयर बनती है ग्रासेस में और कोकोनट जो होता है ना कोकोनट वाटर वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम्प है और जिसका वाइट पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पम है जाइगोट की अगर बात करें तो जाइगोट में माइटोसिस होता है और उसमें फिर टू अनिक्वल सेल बनती है प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोबुलर मतलब प्रो एम्ब्रियो स्टेज आई फिर ग्लोबुलर एंड एंडोस्पर्म स्टेज आई फिर हार्ट शेप का एम्ब्रियो बना फिर उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया और डाइकोट एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है

यहाँ पे देखिए सीड जो है सीड 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 बोलते हैं कोट सीड पर एम्ब्रियो सीड प्रेजेंट होता है एंडोस्पम कुछ में प्रेजेंट होता है और 10 से 15 परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है अगर न्यूसिलस भी प्रेजेंट है तो उसे पेरिसम्प बोलते हैं और रोल क्या क्या होते हैं वेरिएशन आती है सीड कोट हार्ड होती है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन होती है डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन जो है वो हेल्प करती है स्टोरेज में और हार्ड सीड को प्रोटेक्ट तो करता है वायबिलिटी ऑफ सीड की अगर बात करें तो अगर लॉन्ग वायबिलिटी है तो वो तो है ल्यूपिनस और फ्यूनिक्स की और टीनी सीड किस किस के होते हैं फिग औरड स्ट्रीगो और की और फ्रूट्स की अगर बात करें तो फर्टिलाइज ओवरी बोलते हैं और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है यानी कि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है फॉल्स फ्रूट क्या होता है जिसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में पेरिकार्प क्या होते हैं वॉल होती है ओवरी और फ्रूट की और ड्राई फ्रूट कौन कौन से होते हैं पी मस्टर्ड पेरिक्राप इसमें पेरिकार्प जो है वो डिविजिबल नहीं होती लेयर्स में फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प डिविजल होती है लेयर्स में जैसे कि एपिकार्प मीजोकार्प और एंडोकार्प एपोमिक्सीज में क्या होता है डिप्लोइड एग सेल और न्यूसिलस जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और ये जेनेटिकली सिमिलर बनाते हैं प्लांट्स जैसे कि पेरेंट प्लांट, प्लांट थे ऐसे ही

सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट डाउट नहीं होगा अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं और सारे पॉइंट कवर कर चुकी हूँ एग्ज़ाम से जस्ट पहले के रिविज़न के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू